क्वेश्चन नंबर टू का सेवंथ पार्ट है। इसमें भी सबसे पहले हम एब्सोल्यूट वैल्यू को आइसोलेट करते हैं। उसके लिए क्योंकि यहाँ पर ये कांस्टेंट टर्म माइनस है, इसको हम इक्वल के दूसरी साइड पर शिफ्ट करते हैं। तो 2/3 ये माइनस उस तरफ जाके +1/3 हो जाएगा। और एब्सोल्यूट वैल्यू को हम एज इट इज लिख सकते हैं, या इस पर अगर हम फोर्थ प्रॉपर्टी जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी वो अप्लाई कर देते हैं कि एब्सोल्यूट न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर के साथ अलग अलग कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में यहां पर हम एलसीएम ले लेते हैं, 3 एलसीएम आ जाएगा क्योंकि दोनों का 3 है और ऊपर 2+1, और यहां पर 3 -5x एब्सोल्यूट, क्योंकि 4 का एब्सोल्यूट 4 ही होता है, एक कांस्टेंट टर्म है, तो इसको हम 4 को एज इट इज लिख देते हैं विदाउट एब्सोल्यूट के। नेक्स्ट स्टेप में 3 -5x एब्सोल्यूट, क्योंकि 4 इधर डिवाइड हो रहा है तो 4 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। उससे पहले हम 2+1 को 3 कर देते हैं, ओवर में भी 3 है तो जो 4 इधर डिवाइड हो रहा था वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 3 से कैंसिल आउट होके 1 आएगा, या 3 1 टाइम 3 तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो 3 -5x इज इक्वल टू 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 हो गया। ये बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन बन गया जिस तरह के हमने क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट किया था और थर्ड पार्ट किया था। तो यहां पर हमारे पास दो पॉसिबिलिटी हैं, एक है 3 -5x इज इक्वल टू 4 और दूसरी है -3 -5x इज इक्वल टू 4। यहां पर हम 3 को उस तरफ लेके जाते हैं इक्वल के, तो ये 4 -3 हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में क्योंकि -5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 4 -3 1, और ये -5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। तो माइनस हम यहाँ पर चाहे न्यूमिरेटर के साथ लिख लें चाहे डिनोमिनेटर के साथ लिख लें। यहाँ पर -3 -2 दफा आ रहा है क्योंकि ये माइनस और ये माइनस है, +5x इज इक्वल टू 4, तो 5x इज इक्वल टू 4+3 हो गया, तो 5x इज इक्वल टू 4+3 7, और x की वैल्यू आ गई 7/5। अब ये दो वैल्यूज जो हैं इस इक्वेशन को अगर हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें तो इसमें हम पुट करके चेक करेंगे कि ये इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाइड होती है या कि नहीं। तो बारी बारी दोनों एक्स की वैल्यूज हम ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके चेक करेंगे कि वो दोनों वैल्यू सेटिस्फाइड करती हैं या कि नहीं। तो चेक करते हैं, सबसे पहले पुट करते हैं एक्स इज इक्वल टू -1/5 इन इक्वेशन 1। तो क्वेश्चन 1 इंप्लाइज दैट जहां पर x आ रहा है तो इसकी जगह हम -1/5 रख देंगे। इससे पहले 3 ऐसे लिखेंगे, -5 x की जगह -1/5 ओवर में 4, एब्सोल्यूट वैल्यू क्लोज होगी, -1/3 इज इक्वल टू 2/3। यहां पर 5 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, 3+1 हो जाएगा ओवर में 4, -1/3 इज इक्वल टू 2/3। तो 3+1 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4/4 -1/3, क्योंकि 4/4 जो है एक पॉजिटिव वैल्यू बनती है तो इसका हम एब्सोल्यूट वैल्यू रिमूव कर सकते हैं, इक्वल टू 2/3। तो क्योंकि 4/4 1 होता है तो 1 -1/3 इज इक्वल टू 2/3। अब यहां पर एलसीएम ले लेते हैं हम। एलसीएम लेने के लिए ये 3 इस 1 से मल्टीप्लाई होके 3 -1 इज इक्वल टू 2/3, तो 3 -1 2/3 आ जाएगा इज इक्वल टू 2/3। सो क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल आ गई तो ये ट्रू हो गया। सो एक्स इज इक्वल टू -1/5 इज आ सोल्यूशन सिमिलरली। अब हम एक्स की दूसरी वैल्यू जो थी उसको पुट करते हैं, एक्स इज इक्वल टू 7/5 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में जहां पर एक्स आ रहा है, 3 -5 एक्स की जगह 7/5, डिनोमिनेटर में 4 उसी तरह आ गया,
माइनस वन ओवर थ्री इज इक्वल टू टू ओवर थ्री, ये फाइव फाइव से कैंसल आउट हो गया, थ्री माइनस सेवन ओवर फोर माइनस वन ओवर थ्री इज इक्वल टू टू ओवर थ्री, अब थ्री माइनस सेवन माइनस फोर हो जाएगा ओवर में फोर, माइनस वन ओवर थ्री इज इक्वल टू टू ओवर थ्री, फोर 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 वन टाइम फोर होता है तो कैंसल आउट हो गया, यहाँ पर माइनस वन का एब्सोल्यूट वन आ जाएगा, माइनस वन ओवर थ्री एज इट इज, राइट साइड में टू ओवर थ्री आ गया। अब यहां पर एलसीएम लेंगे, थ्री थ्री वन से मल्टीप्लाई होकर थ्री माइनस वन इज इक्वल टू टू ओवर थ्री, थ्री माइनस वन टू ओवर थ्री इज इक्वल टू टू ओवर थ्री, ये भी ट्रू हो गया। सो सोल्यूशन सेट आ गया हमारा, क्योंकि दूसरी वैल्यू भी सेटिस्फाइड हो चुकी है, तो हम सोल्यूशन सेट यहाँ पर दोनों वैल्यूज के ले लेंगे। एक एक्स की वैल्यू निकली है माइनस वन ओवर फाइव, जिसने सेटिस्फाइड किया था इस इक्वेशन को, और दूसरी वैल्यू निकली एक्स की सेवन ओवर फाइव, और इसने भी सेटिस्फाइड कर दिया इक्वेशन नंबर वन को, जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन थी। इस तरह ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया।